सीएम हेमंत सोरेन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय के चयन के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके तहत धनबाद जिला में चयनित तीनों स्कूलों में नामांकन को लेकर अभिभावकों को जागरूकता करने हेतु जागरूकता रथ रवाना किया गया। यह रथ ग्रामीण इलाकों में पठन पाठन और पोषण से संबंधित पूरी जानकारियां बताते हुए अभिभावकों को जागरूक करेगा। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ रजवार ने बताया कि बाबूडी स्थित जिला स्कूल, SSLNT महिला विद्यालय और कस्तूरबा विद्यालय को चयन CBSE के लिए हुआ है। 15 तारीख तक आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। इसको लेकर लोगों में जागरूकता है तो आज जागरूकता रथ रवाना किया गया है। हमारे धनबाद जिले में 3 SOE स्कूल हैं, जिला स्कूल, SSLNT और निरसा। जहां तक जागरूकता की बात है, आज ही से हम लोग एक जो जागरूक अभियान रथ चलाए हुए हैं, साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग का भी आयोजन किया जा रहा है। और मेरे द्वारा पर्सनली संबंधित विद्यालय, जो पोषक क्षेत्र के विद्यालय हैं, उनके जो प्रचार्ज हैं, उनसे संपर्क करके कि आप अपने यहाँ के बच्चों को SOE स्कूल में नामांकन हेतु फॉर्म भराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोषक क्षेत्र के बच्चों को लाभ मिल सके। अब 4 दिन समय बचा है, 15 तारीख तक ही आप लोगों ने अंतिम तिथि रखा है आवेदन जमा करना, क्या लगता है उसके अनुसार सारी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? मुझे लगता है कि नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। अभी जो है, एक फिर से हम लोग पहल किए हुए हैं कि जो भी पोषक क्षेत्र के अभिभावक हैं, उनको संबंधित विद्यालय के शिक्षकों द्वारा, उनके जो संबंधित कर्मी द्वारा हाथों हाथ भी फॉर्म हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। और जहां तक जो कल्पना हमारी SOE का है, वो हम लोग अचीव कर लेंगे। ये नामांकन प्रक्रिया कुछ सरल बनाया गया है क्या, या फिर टेस्ट होके ही होना है? अभी तो जो है टेस्ट की प्रक्रिया निर्धारित है, स्टेट के द्वारा निर्धारित है, तो जो सरकार का गाइडलाइन है, गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग उनका नामांकन की पूरी प्रक्रिया को पूरी करेंगे। बता दें कि धनबाद जिले के 3 स्कूलों का चयन हुआ है, जिसमें जिला स्कूल, कस्तूरबा विद्यालय, निरसा और SSLNT विद्यालय में CBSE की पढ़ाई होगी। इसके तहत नामांकन हेतु टेस्ट की प्रक्रिया, जिसके बाद चयनित छात्रों का स्कूल में दाखिला होगा और निःशुल्क पढ़ाई सहित अन्य सुविधाएं मिलेगी। इसी को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है।